सुमो का डैड सुमो को एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, लेकिन उस चक्कर में वो अपना ध्यान रखना भूल जाता था। और जब सुमो उसे डांटता कि आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते, तो वो क्यूट एक्टिंग करने लगता कि मेरी चिंता मत करो, मुझे सोफे पे भी बहुत कंफर्टेबल लगता है। वो जहाँ पे काम करता था वहाँ पे काफी सारे अल्फा थे जो उस पे लाइन मारते रहते थे, तो सुहान को वो सारी हैरेसमेंट से गुजरना पड़ता था। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, वो कड़ी मेहनत करता ही रहा और सुमो को ये कभी नहीं दिखाया कि वो कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है। सुमो के हर एक बर्थडे पे वो विश मांगता था कि सुमो एक अल्फा बने, मतलब कि एज अ ओमेगा। उसकी लाइफ कितनी मुश्किल थी, तो वो ये चाहता था कि उसका प्यारा बेटा एक अल्फा बने। सुमो के हिसाब से उसके डैडी थोड़े बुद्धू और क्लमजी थे और हर वक्त उसके चेहरे पे स्माइल रहती थी। लेकिन एक दिन के बाद सुमो को वो स्माइल देखने मिलना बंद हो गई। उस ड्रग फैक्ट्री में जो एक्सप्लोजन हुआ था उसका जिम्मेदार सुमो के डैडी को ठहराया गया। उस एक्सप्लोजन में 100 से भी ज्यादा लोगों को सीरियस इंजरीज आई थी और काफी सारे लोगों ने ये स्टेटमेंट भी दिया कि ये सारी गलती सुहान की ही थी, उस एक्सप्लोजन का जिम्मेदार वही था। तो सुमो अभी जीजू से कह रहा था कि मैं जानता था कि मेरे डैड इतने होशियार पर्सन नहीं थे, लेकिन वो बहुत ही केयरफुल पर्सन थे। वो अपने काम में इस तरह की गलती कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन वो बस कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट थे। उसने बस एक छोटी सी गलती मान ली और उन लोगों ने उसे बलि का बकरा बना दिया। मैं जानता था कि उसे फंसाया गया है, तो कई सालों से मैं एविडेंस इकट्ठा कर रहा था। वो बेगुनाह है तो फिर उसे जेल से बाहर आना ही होगा। वो सब सुन के जीजू ने कहा कि तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो सुमो का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था, मतलब कि उसे कम्फर्ट देने के लिए, लेकिन सुमो का वहाँ पे ध्यान नहीं था। उसने अपना हाथ दूर ले लिया और कहा कि क्योंकि मैं दूसरों को अपनी इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, मैं अपने डैड को अपने बलबूते पे वापस लाना चाहता हूँ। फिर जब सुमो घर वापस आया तब अपने साथ एक केक भी लेता आया। निंगे दरवाजे पे ही उसका इंतजार कर रहा था कि भले ही तुम मेरे लिए केक लाए हो, लेकिन अपने अल्फा को इतने घंटे तक इस तरह से अकेला छोड़ के तुम कैसे जा सकते हो, बताओ कि कहाँ पे गए थे तुम। सुमो ने झूठ बोल दिया कि मैं कंपनी गया था, कुछ काम था। फिर निंगे उसे कुछ कहे उसे पहले ही सुमो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगा कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, चलो चल के ये केक खाते है। निंगे ने ये देख लिया था कि वहाँ दरवाजे के पास उस बॉक्स के नीचे सुमो ने आके कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे है, लेकिन उसने उस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। फिर अगले सीन में जीजू किसी से मिलने गया था। वो दूसरा पर्सन सुमो की फोटो देख रहा था और जीजू से पूछ रहा था कि क्या उसने तुम्हें अपने फादर के बारे में कुछ और बताया। जीजू कहता है कि जैसे ही मैंने उसके फादर के केस के बारे में मेंशन किया, वो मुझे तुरंत ही सब कुछ बताने लगा और उसने ये भी बताया कि वो किसी और को इसमें इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहता। तो फिर लगता है कि हमें सीक्रेटली ही उसकी मदद करनी होगी। उस दूसरे पर्सन को जैसे ही सुमो के ओमेगा फादर के बारे में पता चला कि अभी वो जेल में है, उसे सुहान की याद आने लगी कि कैसे उन दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाया था और कैसे सुहान ने स्माइल के साथ कहा था कि मैं सारी जिम्मेदारी लूंगा। उस पर्सन ने अब भी वो रिंग अपने गले में पहने रखा है। वो उस रिंग को हाथ में लेके सुहान को याद करने लगा।